भिन्न प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्राइसिस मीटिंग। भिन्न में कोविड-19 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई गई क्राइसिस मीटिंग, जिसमें भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, एस पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, भिंड विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू, अधिकारी और पत्रकार गण मौजूद थे। कोविड-19 को लेकर भिंड जिले की क्राइसिस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, सांसद संध्या राय, गोहद विधायक मेवाराम जाटव के साथ कई अधिकारी और समाज सेवी नेतागण प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 25 से लेकर 26 अगस्त को कोविड-19 की फर्स्ट और सेकेंड डोज के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि भिंड जिले में सभी के सहयोग से 2 दिनों में अधिक से अधिक फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवाई जाए। वहीं भिंड विधायक संजीव सिंह ने कहा कि वो कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर जाकर कोविड टीकाकरण करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में 25 और 26 तारीख को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। 25 तारीख को और 26 तारीख को जिन्होंने लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है वो फर्स्ट डोज लगवाएंगे, और जिनने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है पेंडिंग है ऐसे लोगों को सेकेंड डोज लगाया जाएगा। हमारे ज़िले में ये अच्छी बात है कि 60% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, करीब 17% लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुका है। कुछ पेंडेंसी हमारी सेकेंड डोज की है, वो मुझे लगता है कि जो बैकलॉग है वो हमारी लोगों की सबकी मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से भिंड की जनता से यही अपील है कि इस जो वैक्सीनेशन महाअभियान है इसको सफल बनाएं, हमारे ज़िले को प्रदेश में नंबर 1 पर लाएं, और अगर हम दोनों डोज लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका भी हम निर्वहन करेंगे, और जो संभावित तीसरी लहर है उससे भी लड़ने में सक्षम होंगे। इससे पहले वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था और आप स्वयं कई टीकाकरण केंद्रों पर गए थे, आपकी बार भी आपका जाना होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2 केंद्रों पर हम अब कल जाएंगे शहर में, उसके अलावा भी ग्रामीण में भी जाएंगे, तो जिससे लोगों को जागरूक करेंगे, उनको संदेश देंगे कि भाई सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता साबित करें। 26 तारीख को जो